हाँ जी, एक बार फिर आपका स्वागत है ऑथेंटिक हिस्ट्री चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसे कि लास्ट वीडियो में हम बता रहा था मैं आपको कि हम जो है पार्टीशन ऑफ इंडिया पर बात कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो ये दिन चल रहे हैं, अगर हम 75 ईयर पीछे चले जाएं तो ये इन्हीं दिनों में जो प्रोसेस था पार्टीशन का वो चल रहा था, चाहे वो बंगाल का है और चाहे वो पंजाब का। जी हाँ, ये याद रखिएगा, ये कभी मत भूलना कि इस पार्टीशन में जो इंडिया का पार्टीशन हुआ है, इसमें 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। यहाँ 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे और 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो गए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि लोगों की जिंदगी ही पूरी तरह से चेंज हो गई। किसी को पता ही नहीं था कि हम आजादी लेंगे और हम उस आजादी का जश्न भी नहीं मना पाएंगे। ये मैं सच कह रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि जैसे हमें आज़ादी मिलती है तो दूसरी तरफ हमें इतना बड़ा दुख भी देखने को मिला, जो कि मेरे अकॉर्डिंग ये इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ी एक त्रासदी थी। रियलिटी है इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और रही बात ये कि हम किसी एक फैक्ट पर जाकर किसी एक को ही रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। कुछ लोगों का ओपिनियन ये होगा कि अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अडॉप्ट करके जाते जाते उन्होंने इंडिया का बंटवारा कर दिया। तो आप ये सोचिए कि क्या इंडिया के जो लीडर्स थे, क्या वो बच्चे थे? उनको नहीं पता था कि ब्रिटिशर हमसे क्या करवा रहे हैं या हम क्या करना चाहते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं होता। देखिए, इतिहास किसी को माफ नहीं करेगा। जिसने गलती की है या जिसने समय का फायदा उठाया है, वो सभी इतिहास के कटघरे में खड़े किए जाएंगे। ये बात एक रियलिटी है, इससे हम मुकर नहीं सकते, इसको जुठा नहीं सकते। और इसलिए मैं अपने इस एपिसोड में, इस जो मेरा इस समय का जो ये चल रहा है ऑथेंटिक हिस्ट्री पर, इस पार्टीशन को लेकर एक जो मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको, इसमें मैं पूरी तरह से ब्रिटिशर्स को तो रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकता। इसमें कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, इन सभी का भी रोल रहा है, इन सभी का भी रोल रहा है। किसी एक को आप नहीं ठहरा सकते जिम्मेवार, क्योंकि ये देखिए आप ध्यान से कि 1939 में वर्ल्ड वार शुरू हो गई थी। आप लोगों को पता ही होगा कि जर्मनी के चांसलर हिटलर ने इस वर्ल्ड वार को शुरू किया और 1939 से लेकर 1945 तक ये वर्ल्ड वार चला, जिसे हम सेकंड वर्ल्ड वार कहते हैं, दूसरा विश्व युद्ध, राइट? तो अब इस विश्व युद्ध में अमेरिका इंग्लैंड के ग्रुप में था और यकीनन हिटलर का मारा जाना और उसके बाद फ्रेंड कंट्रीज का जीतना एक बहुत ही बड़ी हिस्टोरिकल इवेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री की। और यहाँ पर यह भी आता है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट, जो समय के अमेरिका के प्रेसिडेंट थे ट्रूमैन, उनका ये प्रेशर था ब्रिटिशर पर, ब्रिटिश गवर्नमेंट पर, कि आप इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए कुछ सोचें। तो बार बार इंडिया में कैबिनेट मिशन का आना या किप्स मिशन का आना, लेकिन उनका खाली लौट जाना, ये कुछ बातें हैं। लेकिन आप उन फैक्ट्स पर भी जाकर नजर डालिए जो कि एक ऐसे फैक्ट्स बनते जा रहे हैं, जो कि ये बयां कर रहे हैं कि शायद बंटवारे से के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। ये मैं नहीं कह रहा, ये बात खुद हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी स्वीकार की है। जी हाँ, कुछ हिस्टोरियंस ने ये फैक्ट रखा है, जाने माने हिस्टोरियंस ये कहते हैं, जैसे कि बिपिन चंद्रा और शेखर बंधु उपाध्याय और भी कई राइटर्स का यही कहना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ये इस सच को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए थे कि हम अब इस लंबी लड़ाई से थक चुके हैं, हम बूढ़े हो रहे हैं, आगे ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं और अब हमें स्वतंत्रता मिल रही है, कल हमें अगर ना मिली तो बाकी उनकी एक यहां पर सोच है। तो उनके सामने जो लॉर्ड माउंटबेटन, जो उस समय के गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उनका जो एक प्रपोजल था जिसे हम कहते हैं 3 जून 1947 का एक प्रपोजल, जी हाँ, इसको 3 जून का प्रपोजल कहते हैं।
उसमें माउंट बेटन ने यही प्रपोजल रखा था मिस्टर नेहरू की तरफ और मिस्टर जिन्हा जो कि मुस्लिम लीग के थे कि आप लोग इंडिया और इंडिया का पार्टीशन कीजिए और मिस्टर जिन्हा को पाकिस्तान दिया जाएगा, इसमें ज़्यादातर गिनती नेचुरली बात है मुस्लिम्स की होगी, और इंडिया को यानी कि इंडिया तो है ही है उसको जो है उसका जो हिस्सा उसका मिलता है उसे वही मिलेगा, जैसा कि इनकी उन्होंने अपने पार्टीशन में एक फॉर्मूला तैयार किया। तो नेहरू जी का ये सोचना, उसके बाद जिन्हा का अवसरवादी बनना, क्योंकि जिन्हा तो एक तरह से कह लीजिए जिद पर अड़े हुए थे कि बस हमें तो भाई पाकिस्तान चाहिए। शायद लोगों को शायद नहीं पता होगा, आप लोग कभी सर्च कीजिएगा या बुक्स को रीड करिए मेरी इस स्टेटमेंट के बाद कि 16th अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन जिसे हम कहते हैं सीधी कार्रवाई ये किया था, जिसमें ये हुआ कि कई बहुत सारे दंगे हुए, फसाद हुए, बहुत से बेकसूर लोग मारे गए, क्योंकि दंगों में तो देखिए बेकसूर बंदा ही मारा जाता है, ये कोई अच्छा सिंबल नहीं है किसी नेशन के लिए। तो मुस्लिम लीग तो शुरू से ये कह रही थी कि हमें बस भाई पाकिस्तान ही चाहिए, इसके अलावा हम बात नहीं करें। मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया कि अंग्रेजों को तो हम बाद में जिम्मेवार ठहराएंगे ना, पहले हम यहां से देखें कि क्या क्या हो रहा है। इसी तरह अब हम और छोड़िए, अब जिस इंसान ने हम सबके सामने एक सॉन्ग रखा है जिसका नाम आपके सामने लेने जा रहा हूं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जी हां, ध्यान से फिर सुनिएगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये जो एक हम बच्चे आज भी सॉन्ग्स गाते हैं अपने फंक्शंस में, तो ये इकबाल साहब का लिखा हुआ है, उन्होंने ये उनका एक तरह से रिटर्न था। तो इसमें इकबाल की हमें कितनी अच्छी भावना देखने को मिलती है, वाकई मिलती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन आप सुन के हैरान होंगे कि जब मोहम्मद चौधरी सॉरी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान एक शब्द को यूज किया था कि पाकिस्तान होना चाहिए, उस समय इन्हीं इकबाल साहब ने उनका समर्थन किया और ये भी आगे चल के ये कहने लगे कि जी हां पाकिस्तान हमें चाहिए। तो ये बात क्लियर है कि जब हम खुद ही ऐसे चांस दे रहे हैं तो फिर ब्रिटिशर्स को ऐसा वो मौका क्यों अपने हाथ से गंवाएंगे, वो तो चाहेंगे कि हम इंडिया को आजाद करें और जाते जाते ऐसा इनको देके जाएं दुख कि ये जिंदगी भर अपने बच्चों को पढ़ाते रहें, टेक्स्ट बुक्स में हमारा नाम आ जाए कि देखिए कि किस तरह हम तो इंडिया को आजाद कर गए लेकिन इंडिया से ही अपना यानी कि जो है पार्टीशन वो संभाला नहीं गया, ऐसा हो गया वो हो गया। तो वही बात हो रही है। तो यहाँ पर इसी तरह हम कुछ और अगर बात करें तो कुछ अलग अलग पहलुओं की तरफ देखें तो वो भी ऐसे ही हमें बयां करते हैं। लेकिन अब एक ही एपिसोड में या एक ही जो जो है लेक्चर में तो मैं सारा इतना बड़ा पार्टीशन आपके सामने बयां नहीं कर दूंगा, क्योंकि आप इसको पहले अंडरस्टैंड कीजिए, उस स्पिरिट को जगाइए, उन दर्द को समझिए जो मैंने 10 लाख लोगों का नाम लिया है। जी हाँ, ये मत भूलिएगा, प्लीज डोंट फॉरगेट कि पंजाब की बात कर रहा हूं मैं, अगर स्पेशली बात करें तो गाड़ियां लाशों से भरकर आती थी, लाशों से भरकर जाती थी। ये शेखर बंदोपाध्याय साहब ने अपनी बुक जो है उनकी प्लासी टू पार्टीशन, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि 75,000 लेडीज से रेप हुआ था, 10 लाख लोग मारे गए थे और कितने 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हुए, जो मैंने पहले ही बोल दिया। तो ये कितनी बड़ी एक ये डिजास्टर है। हम क्या हम कल को हमारी जो जनरेशन है क्या उनको वाकई हिस्ट्री की जरूरत नहीं है, क्या उनको नहीं बताया जाएगा कि किस तरह आजादी मिली उसके बाद कैसा हुआ। आपने शायद हमारे एक जो इंडिया के बहुत ही फेमस लीडर थे उनका नाम सुना होगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, उनकी बुक है मुझे अभी भी याद है इंडिया विंस फ्रीडम। जी हाँ, इंडिया विंस फ्रीडम बुक थी उनकी 1957 की, लेकिन उसके ना कुछ 30 पेजेस थे वो 1988 में पब्लिश हुए हैं। उस 1988 में पब्लिश हुए जो 30 पेजेस हैं उसमें उन्होंने ये साफ लिखा है कि मेरा तो जश्न मनाने का दिल ही नहीं कर रहा था। क्या जश्न मनाते हम इंडिया की आजादी का, क्या जश्न मनाते, क्योंकि एक भरा हुआ दिल से हम अपने फेस पर अपने मुंह के ऊपर हंसी नहीं ला सकते। गांधी जी ने भी विभाजन का विरोध करते हुए
फास्ट रखा था, आपको पता ही है। तो ऐसे कई सारी बातें हो जाती हैं, तो मैं नेक्स्ट टाइम जल्दी आपके सामने पूरा डिस्क्राइब कर दूंगा विद इमेजेस के साथ। आज मैं एक आपको इमेज दिखाऊंगा लॉर्ड माउंटबेटन की, ध्यान रखिएगा। उनके साथ होंगे नेहरू जी हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, और साथ में होंगे मोहम्मद अली जिन्हा और हमारे कुछ और लीडर भी, जैसे कि सरदार बलदेव सिंह जी, वल्लभ भाई पटेल जो हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर थे, जहाँ रियली डायनामिक लीडर, क्योंकि उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वल्लभ भाई पटेल का। अगर वो ना होते तो शायद आज हिंदुस्तान कुछ और ही हो जाता, जैसे उन्होंने हमारी रियासतों को एकजुट किया, और ये उनका एक ऐसा कंट्रीब्यूशन है जिसे कि हम नहीं भूल सकते। और इसी तरह से उधर से आप जिन्ना, सिकंदर हयात खान, ऐसे लीडर्स को भी देखोगे उन इमेजेस में, ठीक है। मैं आपके किसी भी रिस्पॉन्स की वेट करूंगा, और जल्द ही हम एक और वीडियो लेकर आएंगे। अब ब्रेक ज्यादा लंबी नहीं जाएगी। थैंक यू सो मच।